एंड्रयू टेट इज नॉट फॉर भारत, भारत के लिए एंड्रयू टेट नहीं है। और अगर आप सोचते हो पागल पने में आप उसको फॉलो कर दे तो तुमसे बड़ा कोई चूतिया नहीं। क्यों मैं आपको बताता हूँ, तो कुछ पॉइंट बोलता है सही बोलता है, मैं भी एग्री करता हूँ, दो चार मोटिवेशनल कोट्स उठाए यहाँ से उठा के ये बोल दिया, यहाँ से उठा के ये बोल दिया, और कुछ हमेशा कॉन्ट्रोवर्सियल बोलता है, बिकॉज पीपल वॉच दैट शिट और वो उससे दिमाग खराब होता है। ठीक है मैं आपको बताता हूँ वो भारत के लिए क्यों नहीं, बिकॉज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस, मतलब कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहां का कल्चर अलग है, लड़कियों को बेच ये वो फलान ठिकाना 17 चीजें बोली जाती है, 70 तरीके से जाता है, 70 बार डिपोर्ट होते हैं, 70 बार कटते हैं और उस तरीका ही चलता रहता है उनका। एक एक डिवोर्स हो गया फिर दूसरा डिवोर्स हो गया फिर तीसरा डिवोर्स हो गया, एक साथ हुआ ये दूसरे बच्चे हुआ दूसरे बच्चे के साथ तीसरे बच्चे के पाल रहे हैं, तो यही चलता रहता है। बट भारत में ऐसा नहीं है, भारत में क्या है, यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां जहां नारी पूजी जाती है वहां वहां देवता वास्ते हैं। ठीक है ये हमारी फिलोसफी, ये हमारे कल्चर, ये हमारे संस्कार है और ये एंड्रयू टेट का नहीं है। ठीक है आजकल आदमी क्या हो रहा है, देखो एंड्रयू टेट के लिए जो टीयर फर्स्ट सिटी, तो मैं आपको बोल रहा हूँ टीयर टू सिटी कोई दिक्कत नहीं, टीयर थ्री सिटी। ठीक है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो टीवन सिटी रहती है ना उनके जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, ठीक है अपने आप को कूल बताने के लिए एंड्रयू टेट इज गुड, एंड्रयू टेट इज कूल, फक बिच, फक गर्ल्स। अरे भाई उनको लड़की एक बार ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर रिजेक्ट क्या कर दे, लड़कों से रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता। ये हाई क्लास वाले लड़के रहते हैं एकदम चूतिया टाइप के, जो कि कैसे आ जाते हैं मीठे टाइप के, क्योंकि उनको पता ही नहीं रियल वर्ल्ड में किस तरीके से बात की जाती है, किस तरीके से व्यवहार बनाया जाता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है। ये सारी चीजें आप कब सीखोगे, जब आप घर से बाहर निकलोगे, और घर आपने पूरा जीवन आपने घर में निकाल दिया, 12वीं तक घर तक पढ़ते रहे, फिर 12वीं बाद कॉलेज किया, आसपास के कॉलेज से कर लिया, वहीं पर फैमिली के साथ रह रहे हो। भाई फैमिली के साथ आपको सीखोगे बट इतना कुछ नहीं सीखोगे दुनिया के बारे में, दुनिया के बारे में सीखना होगा तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर जाके लोगों से मिलो, कितने प्यारे लोग हैं, बाहर मिलो प्रॉपर वे में। ठीक है बट कुछ रहते हैं, कुछ मिल जाते हैं, कुछ सी कैटेगरी के बंदे मिल जाते हैं, तो उनसे जितना कम हो सके उतना कम मिलना है, उनसे मिलना ही नहीं क्या काम करना। ठीक है जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में उसके साथ रहो ना, क्यों जो आपकी बिज्जती करे, जो आपको गाली बके, तो उसके साथ क्यों रहना। ठीक है दोस्त भी रखो, बहुत बढ़िया दोस्त रखो जो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहे, प्रॉपर वे में बकचोदी भी करो उनके साथ, तो वो सारी चीजें आप कर पाओगे। कब कर पाओगे, जब आप उनके साथ रहोगे। ठीक है घर के साथ नहीं रह सकते आप, जैसे मैं अब अपन एंड्रयू टेट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है हमारे यहाँ कल्चर क्या है, मध्य प्रदेश में, यूपी में, भारत में, आप हर जगह देखोगे लड़कियों के पैर पड़े जाते हैं, कन्या भोज कराया जाता है। ठीक है उस बे में देखा जाता है भाभी माँ समान है। ठीक है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल चीज हो जाती है। ठीक है हम हमारे माँ पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, मम्मी पापा की, हम सब कितनी रिस्पेक्ट करते हैं भारत में, दे आर द इमोशनल बॉन्ड। और तुम जब एंड्रयू टेट को देखना चालू करते हो ना तो तुम बोलते हो कि हर लड़की बेच है, हर लड़की ये है, हर वो है, तो इससे आगे निकलना पड़ेगा। तो संस्कारों में, कारणों में, हर एक चीज में डिफरेंस रहता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करो, जो चीज़ आपकी लाइफ में हुई है और कुछ चीज़ उससे रिलेटेड हुआ है, सिनारी हुआ है, तो उसको अप्लाई करने में मज़ा आता है, जो चीज़ आपको सिखा रही, सीखने में आपको मज़ा आता है। ठीक है आपकी लाइफ में कुछ फ़ायदा हो वो चीज़ें सीखो, ना कि किसी से गाली लेना, किसी से कुछ सीखना, वो उस पर फोकस करो। ठीक है एक बार रिजेक्ट हो जाओगे तो कुछ नहीं होगा, दोबारा ट्राई करो। ठीक है दोस्तों आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।